सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टेकी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज हम कीबोर्ड सीखेंगे कैसे लगाते हैं, जो हमारा एचपी के लैपटॉप है और जो हमारे पास कीबोर्ड ख़राब हो गया था उसको हमने नया परचेज किया है और हम नया लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं कैसे हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, नया लगाते हैं। तो फर्स्ट हमारा ये कीबोर्ड है जो हमने परचेज किया है मार्केट से, क्योंकि ये ऑफलाइन सस्ता पड़ता है तो इसको वजह से हमने परचेज किया है ऑफलाइन ही। कीबोर्ड फर्स्ट हम ऐसे ही रख देंगे, इसमें ये फिट करके देख लेते हैं, कहीं निकलते नहीं रहा बाहर से, परफेक्ट होना चाहिए, इधर दिक्कत हो आगे चल के। इस साइड में जो इसकी स्टील होती है ये वाली, जिसका हम सपोर्टर बोलते हैं, जो कीबोर्ड को सपोर्ट करता है, अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को बचा दीजिए कि जिसकी वजह से आपके यहाँ वीडियो का नोटिफिकेशन आए, और लाइक भी कर दीजिए अच्छा अगर वीडियो लगे आपको। तो ये हमारा कीबोर्ड का पिन है, इसके ऊपर हम मदरबोर्ड फिट करेंगे। बोर्ड लगाएंगे इसके ऊपर, जो हमारा ये पिन है इसमें अटैच होना चाहिए परफेक्ट। जो स्क्रीन फिट किया था उसको हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें हिंज फिट करना है। इसको ऐसे, उसके बाद इसको अंदर से ऐसे फिट करेंगे। हिंज फिट करेंगे इसमें हम, इसका कवर लेके आओ तो दूसरा हिंज फिट करेंगे।
स्क्रू कसने से पहले हम इसमें चेक कर लेंगे कोई स्क्रू पहले से बाहर से भी लगाना पड़ता है, अगर हम अंदर से फिट कर देंगे तो बाहर से नहीं लग पाएगा, इसको भी ध्यान देना है। यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता है, एक स्क्रू यहाँ पर लगाएंगे, फिट हो जाने के बाद ये जो हमारा स्क्रीन केबल है इसको हम अच्छे से फिट कर लेंगे और इस तरीके से अच्छे से। सेट करते हैं, उसके बाद ऑन करके चेक करेंगे। पावर बटन ऑन करेंगे, ने पावर इंसर्ट किया और ऑन करते हैं, ऑन हो गया। मैं स्क्रीन परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो आवाज़ आ रही है वो फैन की है, तो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो हम इसको कंप्लीट लब पैक कर देते हैं। अभी हमारा दो चीज़ लगाना है, एक वाईफाई और एक बैटरी, दोनों को इंस्टॉल करना है एक एक करके। तो पहले हम वाईफाई इंस्टॉल करें,